हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द ऑप्शंस। द ऑप्शन इज एब्सिसिक एसिड एक्ट्स एंटागोनिस्ट टू। पूछा गया है कि एब्सिसिक एसिड जो है इनमें से किसके लिए एंटागोनिस्ट के तहत एक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे एंटागोनिस्ट मतलब क्या होगा कि अपोजिट, अपोजिट इफेक्ट जो शो करेगा, अपोजिट इफेक्ट। सो दो डिफरेंट हॉर्मोन जब अपोजिट इफेक्ट शो करें तो वो एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्ट है। तो अगर हम देखिए किसके है? जो जिब्रेलिंस है, जिब्रेलिन्स जो होता है ये क्या करते हैं, दे प्रमोट सीड जर्मिनेशन। सो ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे हैं एंड सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जबकि जो एब्सिसिक एसिड है, यहाँ पे जो एब्सिसिक एसिड जो होगा, एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या करता है, इट प्रमोट्स सीड डोरमेंसी। तो अगर हम देखें यहाँ अपोजिट इफेक्ट हुआ, ये प्रमोट कर, ये ब्रेक करेगा सीड डोरमेंसी को जिब्रेलिन और प्रमोट कर रहा है सीड जर्मिनेशन को। जबकि यहाँ एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या कर रहा है, सीड जर्मिनेशन को एक तरह से क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है और सीड डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये दोनों जो है, ये जो है इस इफेक्ट के लिए अपोजिट इफेक्ट शो कर रहे हैं। यहाँ पे इथाइलिन, साइटोकाइलिन, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिडिक एसिड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस थर्ड वन, इथाइलिन तो नहीं है, साइटोकाइनिन भी नहीं है, इंडोल एसिडिक एसिड भी नहीं है, ये क्या ऑक्सिन है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड जो है ये एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है यहाँ पे। सो ए बी एक्ट करता है एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।